साथियों आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो अभ्यास प्रीलिम्स नाम से टेस्ट कराया जा रहा है, उस टेस्ट का जो पहला टेस्ट है जीएस का, उस टेस्ट को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका प्रश्न पत्र है वो जिस प्रकार से यूपीएससी अपना प्रश्न पत्र तैयार करता है उसी तरीके से इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। तो ये आपके आगामी यूपीएससी और उसके साथ साथ जो आपकी यूपीपीएससी की परीक्षा होनी है 2023 की, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन अंतर दिए गए हैं, ठीक है, तीन अंतर यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए, पहला, पेमेंट एग्रीगेटर व्यापारियों को अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न भुगतान विकल्पों की पेशकश करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि पेमेंट गेटवे फंड ट्रांसफर के लिए बुनियादी तकनीक प्रदान करता है। ये कथन आपका सही है। वहीं दूसरा, पेमेंट एग्रीगेटर एक मध्यस्थ होता है, जबकि पेमेंट गेटवे वह इंटरफेस है जहां पेमेंट एग्रीगेटर लेन देन को संसाधित करता है। तो यहां पर उल्टा लिखा गया है, पेमेंट गेटवे लेन देन को संसाधित करता है, जबकि पेमेंट गेटवे क्या होता है, यह मध्यस्थ का कार्य करता है। तो दूसरा वाला कथन गलत है। वहीं तीसरा, पेमेंट गेटवे के विपरीत पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो तीसरा कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें तो पेमेंट एग्रीगेटर को मर्चेंट एग्रीगेटर के रूप में जाना जाता है। यह एक तृतीय पक्ष भुगतान समाधान प्रदाता होता है जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग सेवाएं प्रदान करता है। पेमेंट एग्रीगेटर के साथ व्यापारी भुगतान के अनेक विकल्पों को स्वीकार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों या घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार गतिविधियाँ दी गई हैं और बताना है कि उपयुक्त कितनी गतिविधियाँ या घटनाओं से भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति में वृद्धि जो है असंभाव्य है। ठीक है, खुदरा मुद्रा स्फीति अर्थात रिटेल इन्फ्लेशन में जो वृद्धि है वो असंभाव्य, मतलब उनसे वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें देखिए, पहला, अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में सामान्य गिरावट से भारत में मुद्रास्फीति की दर कम होने की संभावना होती है। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस प्रकार पहले वाले से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट से जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी बल्कि गिरावट आएगी। तो आपका पहला हो गया। दूसरा, बेमौसम वर्षा और अत्यधिक गर्मी से इससे भी क्या होगा, इससे ये जो प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां हैं इनसे भारत में फसल उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कृषि जिन्सों के उत्पादन में कमी होती है जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार यह भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में क्या करेगा, वृद्धि करने का कार्य करेगा, तो ये वृद्धि करेगा। और वहीं तीसरा, यदि बात करें उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी, तो देखिए यदि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी होगी तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक की कठोर बैंक मौद्रिक नीति यदि होती है तो इससे भी क्या होगा, इससे खुदरा मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना रहती है। क्योंकि देखिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों जैसे कि रेपो दर में वृद्धि करके कठोर मौद्रिक नीति अपनाया जाता है तो बाजार में समग्र तरलता जो होती है, जो लिक्विडिटी होती है, वो कम होगी। और जब कम होगी तो इससे क्या होगा, खुदरा मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपकी तीन घटनाएं ऐसी हैं, पहली, तीसरी और चौथी, जो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं करेंगी। तो यहाँ पर पूछा है कितनी घटनाएं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल तीन गतिविधियाँ घटनाओं से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं कि स्थानीय सामग्री आवश्यकता अर्थात इंग्लिश में कहें तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट के तहत कुछ घटकों को घरेलू स्तर पर विनिर्मित किया जाना चाहिए। यह विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत आता है? तो यह व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर जो समझौता ट्रिम्स है इसके तहत आता है। देखिए, व्यापार संबंधित निवेश उपायों जो ट्रिम्स पर समझौता है केवल उन उपायों पर लागू होता है जो वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करते हैं
और यहाँ ध्यान रखिएगा WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। आगे चलते हैं, लॉकर प्रबंधन पर RBI के हालिया दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहला, किसी उपभोक्ता को लॉकर आवंटित करते समय बैंकों को एक टर्म डिपॉजिट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, ये कथन सही है। दूसरा, चोरी या धोखाधड़ी के मामले में बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए का 10 गुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 10 गुना नहीं, 100 गुना, ठीक है, ये 10 गुना नहीं है, 100 गुना है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बैंक लॉकर में रखी जाने वाली वस्तुओं का बीमा कराने के लिए ग्राहकों को बीमा उत्पादों की पेशकश नहीं कर सकते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, शीर्ष बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए सेफ डिपॉजिट लॉकरों की सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है। ये दिशा निर्देश वस्तुओं की सुरक्षित निगरानी हेतु नए एवं मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और बैंक सुविधाओं दोनों पर लागू होते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरलता पॉश लिक्विडिटी ट्रैप की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें देखें, पहले थोड़ा सा तरलता पॉश लिक्विडिटी ट्रैप है क्या, इसको समझ लें, तब इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। देखिए, तरलता पॉश एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्याज दरों को कम करने पर मौद्रिक नीति जो होती है वो आपकी अप्रभावी हो जाती है, क्योंकि नाम मात्र की ब्याज दर पहले से ही 0 के निकट होती है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कौन सी विशेषताएँ हैं? तो इसमें जो पहला है उच्च ब्याज दर, ये इसकी विशेषता नहीं, क्योंकि ब्याज दर जो होती है वो नाम मात्र की होती है, मतलब निम्न होती है, तो पहला नहीं है। कम मुद्रास्फीति, कम निवेश और खपत, नकदी में पैसा रखने की उच्च प्रवृत्ति, ये सभी के सभी जो हैं इसकी विशेषताएं हैं। तो 2, 3 और 4 तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कृषि निर्यात एक नए शिखर की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत के कृषि निर्यातों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिंसें मुख्य रूप से उत्तरदायी थीं? देखिए, इसके लिए जो उत्तरदायी हैं वो हैं आपकी चावल और चीनी, कपास और वनस्पति तेल नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा सा देखें पहले, एक सेकेंड। देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने $9.66 बिलियन मूल्य के 21.21 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जो अब तक का सर्वोच्च निर्यात रहा है। वहीं पर चीनी का भी निर्यात जो है, वित्त वर्ष 2021-22 में चीनी का निर्यात $4.6 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और वहीं इसके विपरीत देखा जाए तो सामान्यतः निर्यात में होने वाली कमी की तुलना में आयात में होने वाली वृद्धि जो होती है वो चिंता का कारण है, क्योंकि जब निर्यात ज़्यादा होगा तभी आपको देश को फायदा होता है, तो यहाँ पर आयात ज़्यादा होता है। इसके लिए तीन जींस, आयात अधिक होने के लिए तीन जींस जो हैं वो उत्तरदायी हैं। इसमें आपका पहला जो है वनस्पति तेल है, दूसरा आपका कपास है और तीसरा जींस है काजू। तो ये आयात बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF निम्नलिखित में से किसी या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है? तो सदस्य देशों द्वारा भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने और वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने का देशों द्वारा वित्तीय संकट का सामना करने पर। इन दो अवस्थाओं में सदस्य देशों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए फंडिंग का अनुरोध करने पर ये नहीं देती है, ठीक है, ये जो है जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इसके लिए ऋण देती है। तो ये जो IMF है केवल पहले और तीसरे के लिए, अर्थात सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां ध्यान रखिएगा कि जो IMF होता है, जो विकास बैंक होते हैं वो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं, पर IMF जो होता है वो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में व्यवसायों द्वारा वस्तु और सेवा कर GST से संबंधित मुनाफाखोरी की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिदेशित किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिदेशित किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2022 से अविश्वास प्रहरी के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को
व्यवसायों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित मुनाफाखोरी की जांच करने का अधिकार दिया, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में NAA कहते हैं, जो कि आपका ए ऑप्शन में है, इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा गुड्स ट्रेड बैरोमीटर को विकसित किया गया है किसके द्वारा? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया। देखिए, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर को विश्व व्यापार संगठन द्वारा पारंपरिक व्यापार आंकड़ों और पूर्वानुमानों के पूरक के रूप में विकसित किया गया है। इसे पहले विश्व व्यापार आउटलुक संकेतक के रूप में जाना जाता था। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वाणिज्यिक बैंक में अपने बचत खाते से 50,000 रुपये को एक वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट में परिवर्तित करता है तो इन चारों में से क्या होगा? तो जो M1 है, M1 में कमी होगी लेकिन M3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, मुद्रा की मांग, M यहाँ पे क्या होता है? मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तित होती है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति कहते हैं, जो M से डिनोट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रदर्शित करती है, जिसे M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान के प्रारंभ के समय उद्देशिका का हिस्सा थे? यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। देखिए, भारत के लोगों द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पंथ ये वाला नहीं होगा। दूसरा, अपने सभी नागरिकों के लिए उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान, ये था। तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन। अखंडता वाला जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, उसमें आता है, तो ये भी नहीं होगा। वहीं चौथा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान, ये था। तो दूसरा और चौथा पहले से था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा में मतदान की प्रणालियाँ हैं? तो देखिए, ध्वनिमत, गुप्त मतदान, पर्चियों के वितरण द्वारा मतों को दर्ज करना, औपचारिक विभाजन के बजाय सदस्यों को उनके स्थान पर वास्तविक गणना, ये सभी के सभी जो है मतदान की प्रणालियां हैं। तो 1, 2, 3, 4। देखिए, यदि अन्य विधियों को देखें जो इसमें आती हैं, जैसे ध्वनिमत है, वॉइस वोट, मत विभाजन, गुप्त मतदान, पर्चियों के वितरण द्वारा मतों को दर्ज करना, औपचारिक विभाजन के बजाय सदस्यों की उनके स्थान पर वास्तविक गणना और इसके अतिरिक्त निर्णायक मत, ये सभी जो हैं लोकसभा मतदान की प्रणालियां हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 चीज़ें दी गई। 17वीं या वर्तमान जो लोकसभा है ने पहली बार 100 से अधिक महिला सदस्य होने की उपलब्धि हासिल की। देखिए, 100 से अधिक नहीं है, ये 78 है। ठीक, कितनी है? 78 महिला सदस्य होने की उपलब्धि हासिल की है, तो ये सही है। अभी तक की स्वतंत्रता के बाद से ये संख्या जो सर्वाधिक है, तो पहला वाला गलत हो गया ना, पहला गलत हो गया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में अभी तक 15 से भी कम महिला न्यायाधीश रही हैं, ये कथन सही है, क्योंकि अभी तक जो है, देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीवी थी। इसके बाद से उच्चतम न्यायालय में 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है, तो 15 से ये कम आंकड़ा है, तो ये आपका दूसरा वाला कथन सही है। वर्तमान में बात करें, उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित, जिसमें से 3 जो है महिला न्यायाधीश हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, किसी भी महिला ने कभी भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद धारण नहीं किया। अभी जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो 14वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, तो इन 14 में से अभी तक कोई महिला इस पद पर नहीं आसीन हुई है, तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे मैप दिया गया है और इस मैप में यहाँ पे पूर्वोत्तर के हिस्से को दिखाया गया है, यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में उपर्युक्त मानचित्र में चिन्हित 4 राज्यों में क्या समानता है, ये हमें बताना है। तो पहला, केवल यही 4 राज्य ही
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? नहीं, क्योंकि ये चार राज्य, यदि आप मैप देखेंगे तो ये चार राज्य कौन से हैं, ये चार राज्य जो दिखाए गए यहाँ पे आप देखिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो पहला नहीं है, दूसरा केवल इन चार राज्यों में ही इनर लाइन परमिट लागू है, ये वाला आपका सही है। केवल यही वे चार पूर्वोत्तर राज्य जहाँ ए एफ में अपशा लागू है? नहीं, अन्य राज्यों में भी है, जैसे जम्मू कश्मीर कुछ इलाकों में भी है। डी, केवल यही चार पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जो राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले संघराज्य थे? नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसमें बी ऑप्शन पढ़िए कि यह उस दार्शनिक सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार एक राज्य या संप्रभु कोई विधिक गलती नहीं कर सकता और इस प्रकार उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया गया था कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकारों को भी न्यून किया जा सकता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित वादों में से किसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करने का आधार निर्मित किया? तो वो था गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद 1967। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास ही हो सकती है। आगे चलते हैं, हाल ही में राज्यसभा ने गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस संदर्भ में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या क्रम है? तो देखिए, इन चार क्रमों में सबसे पहले क्या होगा, संबंधित राज्यों से सिफारिशों की प्राप्ति होगी, इसके बाद भारत के महारजिस्ट्रार का अनुमोदन होगा, फिर इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन होगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी होगी। तो 2-1-3-4, 2-1-3-4 अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये क्रम रहेगा आपका। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, केवल मामले के पक्षकार ही निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा, याचिकाकर्ता नवीन और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाइयों के दौरान शामिल नहीं किया गया है के आधार पर समीक्षा की मांग कर सकता है, ये सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, पहला गलत दूसरा सही, इसलिए कौन सही है, बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं। पहला, इस अधिनियम के अनुसार दो नाबालिग बच्चों के बीच संपन्न प्रत्येक बाल विवाह को अमान्य माना जाता। नहीं, देखिए, बाल विवाह अमान्य नहीं होता है जब तक कि कोई एक पक्ष इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जाता है या आवेदन नहीं करता, या कह सकते हैं इसको लेकर के इस पर उंगली नहीं उठाता है। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष एक बालक है, ये सही है। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा अमान्य घोषित किए गए विवाह से पैदा हुए किसी भी बच्चे की अभिरक्षा स्वयं ही बच्चे की माँ को प्राप्त हो जाएगी? नहीं, स्वयं नहीं होगी, ये कोर्ट देखेगा कि बच्चे का हित किधर है, उसके बाद ये डिसाइड होता है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए केवल एक, मतलब केवल दो वाला जो कथन है वो सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, ये कथन सही है, आर्टिकल 249 के तहत। दूसरा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, ठीक है, लोकसभा के पास नहीं, आर्टिकल 67 के तहत। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सुर्खियों में रहे स्थल या क्षेत्र और संबंधित किससे संबंधित रहे? तो इसमें देखिए, आपका बताना है इन तीन युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं। तो बातकेन ये किर्गिस्तान तजाकिस्तान संघर्ष से संबंधित है, ठीक है, बातकेन जो है। दूसरा, ओडिशा ये रूस में विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है? नहीं, ये रूस में नहीं बल्कि यूक्रेन में विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है, तो दूसरा सही नहीं है। कम चटका प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी संबंधित है? नहीं,
ये सही नहीं है, क्योंकि कम चटका जो है प्रायद्वीप, कम चटका प्रायद्वीप पर 29 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। यह रिंग ऑफ फायर नामक विशाल ज्वालामुखी पेटी का भाग है और यह पेटी संपूर्ण प्रशांत महासागर के चारों ओर मौजूद है। और ध्यान रखिएगा, कम चटका प्रायद्वीप की ज्वालामुखियों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो केवल एक युग में सही है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं, चार कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं, ये कथन सही है। दूसरा, फेडरल सुप्रीम काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च प्राधिकरण है, जिसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां होती हैं, तो ये कथन भी सही है। देखिए, जो सातों अमीर हैं वो मिल करके, ये 7 अमीरात हैं ना, इनके 7 तो अमीर जो हैं मिल करके फेडरल सुप्रीम काउंसिल का गठन करते हैं। यह काउंसिल संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का चयन करती है, और ये जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल है यह यूएई का सर्वोच्च प्राधिकरण है, जिसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। तीसरा, वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात विश्व का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात नहीं था बल्कि सऊदी अरब था, ठीक है, सऊदी अरब रहा है। आगे चलते हैं, तीसरा जो है, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय देश की जनसंख्या 20% से भी कम है, नहीं ये 35% है, लगभग 35% इनकी आबादी है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में से कौन से जल बंटवारे संबंधित हैं? तो ये जो चारों दिए गए हैं, हरमन सिद्धांत, कैंपियन नियम, हेलेंस्की नियम और बर्लिन नियम, ये सभी के सभी जो है जल बंटवारे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन। पृथ्वी का भूचुंबकीय क्षेत्र सौर पवनों के साथ परस्पर क्रिया करके पृथ्वी के मैक्रोस्फीयर को आकार प्रदान करता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला, मैग्नेटोपॉज वह क्षेत्र है जहां सौर पवनों द्वारा डाला गया दबाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संतुलित किया जाता है, ये सही है। दूसरा, बैन एलन बेल्ट जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का भाग है, ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा के निकट अधिक सघन और मजबूत होती है, ये सही है। भूचुंबकीय तूफान तब उत्पन्न होते हैं जब कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य से प्रस्फुटित होता है, ये भी सही है, सी वाला भी सही है। डी देखें, पृथ्वी के सूर्य उन्मुख हिस्से पर मैक्रोस्फीयर का आकार दूसरे हिस्से, पृथ्वी के सूर्य विमुख हिस्से की तुलना में अधिक बड़ा होता है, नहीं अधिक बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ये गलत है, तो डी वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन। तो यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए। पहला, यह अटलांटिक महासागर के मध्य से होकर गुजरती है, नहीं ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो है मध्य प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, मध्य प्रशांत महासागर। दूसरा, इसे कोई विधिक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है और देश अपने द्वारा अनुकरण की जाने वाली तिथियों को चुन सकते हैं, ये कथन सही है। तीसरा, इंटरनेशनल डेट लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से ये ईस्ट है ये वेस्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाले व्यक्ति को एक दिन का लाभ होता, नहीं पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाले व्यक्ति को एक दिन का नुकसान होता है, यदि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब एक दिन का लाभ होता है, तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो गया। तो पहला और तीसरा गलत है, और सही कौन सा है, दूसरा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में आम के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 3 कथन है, दक्षिण भारतीय किस्मों की तुलना में उत्तर भारतीय किस्में आमतौर पर देर से फल देती हैं, सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश भारत में आम के उत्पादन पहले स्थान पर रहा है, ये भी सही है। तीसरा, सुवर्ण रेखा महाराष्ट्र के आम की एक वाणिज्यिक किस्म है, तो महाराष्ट्र की नहीं है, आंध्र प्रदेश की है, तो तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थित निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, काकरापारा कहाँ है, पहले राज्य देख लीजिए, काकरापारा गुजरात में है।
कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, कल्पक्कम भी तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो सबसे उत्तर में कौन सा राज्य आएगा? सबसे उत्तर में आपका गुजरात आएगा, तो काकरापारा वन हो गया। फिर इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, तो 5 हो गया। महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? कर्नाटक आएगा, तो 4 हो गया। अब जो कुंडनकुल्लम है और कल्पक्कम दोनों ही तमिलनाडु में है, तो इसमें जो है आपका कल्पक्कम कुंडनकुल्लम के नॉर्थ में है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले काकरापारा, फिर तारापुर, कैगा, और इसके बाद आपका आता है कल्पक्कम और फिर कुंडनकुल्लम। तो 15432 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मई की शुरुआत में पूर्वी भारत के ऊपर उड़ने वाला एक विमान भारी टर्बुलेंस और असमान लैंडिंग का सामना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना इसके कारण की सबसे अच्छी व्याख्या कर सकता है? तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन पढ़िए, क्षेत्र में प्रभावित होने वाले स्थानीय नॉर्वेस्टर्स का प्रभाव जो है, प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। थोड़ा सा देखें हुआ क्या था, अभी ये एक घटना हुई थी हाल ही में, स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के दौरान काल वैशाखी नामक स्थानीय तूफान में फंस गया। विमान में झटके से केबिन में रखे सामान यात्रियों के ऊपर गिरने से लगभग 10 यात्री घायल हो गए। तो देखिए होता क्या है कि भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में प्रभावित होने वाली भयंकर या विनाशकारी पवनों को स्थानीय रूप से काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये स्थानीय घटनाएं हैं जिनमें आमतौर पर विनाशकारी पवनें प्रवाहित होती हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। काल वैशाखी आकाशीय विद्युत आंधी, ओलावृष्टि और वर्षा के रूप में विनाश करती है या विनाश लाती है। काल वैशाखी जो है अप्रैल और मई के दौरान होने वाली एक सामान्य घटना है। इसके कारण विमानों को विक्षोभ का सामना करना पड़ता है और जोखिमपूर्ण लैंडिंग करानी पड़ती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदी है और कहाँ गिरती है ये दिया गया है, बताना है उपयुक्त ये 4 युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो देखिए, नील कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, लाल सागर में नहीं, तो ये गलत है। अमेजन नदी जो है ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये सही है। यांगची नदी ये दक्षिणी चीन सागर में नहीं बल्कि पूर्वी चीन सागर में गिरती है, तो ये गलत है। डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक सी में गिरती है, ये सही है। तो 2 सही हैं, 2 युग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इनकी ऊर्जा वायु राशियों के तापमान, आर्द्रता और घनत्व संबंधी भिन्नताओं पर निर्भर करती है। तो देखिए, तापमान जो है राशियों की तापमान आर्द्रता पर तो निर्भर करती है, परंतु घनत्व संबंधी भिन्नताओं पर निर्भर नहीं करती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रबल एल नीनो वाले वर्षों के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में प्रचंड चक्रवात आते हैं, ये सही है। तीसरा, निम्न ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण उच्च कपासी वर्षा मेघों और चक्रवाती भंवर के विकास को बाधित करता है, तो ये आपका जो है सही नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा गलत है, तो केवल सही कौन सा है? दूसरा वाला कथन, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इसने भारत के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक ब्रिटिश उच्चायुक्त के कार्यालय से प्रतिस्थापित कर दिया, ये कथन आपका सही नहीं है, ये 1858 के द्वारा नहीं हुआ था, ये जो है आपका 1919 के द्वारा हुआ था, तो पहला आपका सही नहीं है। दूसरा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के वायसराय को केवल राज सचिव के प्रति जवाबदेह बनाया गया, ये सही है, तो केवल 2 अर्थात बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान नंद कुमार वाद ने निम्नलिखित में से किस या किन मुद्दों के प्रति चिंता व्यक्त की थी? तो अंग्रेज विधि के शासन, सती प्रथा, धर्म परिवर्तन नहीं, केवल अंग्रेज विधि के शासन, अर्थात सी ऑप्शन, तो केवल 3 हो जाएगा। तो ये जो मामला था 1775 का था, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहता? 1772 से लेकर के 1785 तक रहता है, और इस पे राजा नंद कुमार पे जो है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में विभिन्न व्यापार
विशेषाधिकारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया। इस संदर्भ में 1717 के फर्रुखशियर के फरमान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। पहला, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्ति एवं एकाधिकार प्राप्त व्यापार करने की अनुमति दी। सही है, इसने कंपनी को बंगाल में गांव खरीदने की अनुमति दी, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसकी स्थापनाएँ जो हैं आपकी असहयोग आंदोलन, जो कि 31 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। इस असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, किस लिए की थी? तो ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के कुलीन राजकुमार थे। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने देश भर में अंतहीन यात्रा की और अपने धर्म की रचना तथा अपने संघ का प्रसार किया। इस संदर्भ में बुद्ध की यात्रा के निम्नलिखित स्थलों की क्रमानुसार पहचान कीजिए। तो देखिए, पहला, वह निरंजनी नदी, अब जिसे फल्गु नदी कहते हैं, के तट पर स्थित उरुबेला गांव में आए थे। यहां उन्होंने स्वयं को कठोर तपस्या और ध्यान के लिए समर्पित कर दिया तथा अनेक कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना किया। तो ये जहां पे ये स्थान वहां है जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी। तो कहां की थी? बोधगया में, तो ये बोधगया के लिए। दूसरा, यहां उन्होंने अपने धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों अर्थात चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का प्रचार किया। यह बौद्ध धर्म के तीरथ की संकल्पना, तीरथ में कौन आते हैं? बुद्ध धर्म संघ के साथ साथ प्रसिद्ध मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था, मतलब सारनाथ। तीसरा, इस स्थल से बुद्ध ने एक असाधारण दिखने वाली गिद्धकूट पर्वत या गिद्ध चोटी, जिसमें गिद्ध की चोंच के समान एक अद्वितीय चट्टान बनी हुई थी, से अपने उपदेश दिए। यह मगध की पहली राजधानी भी थी। तो ये किसके बारे में? राजगीर के बारे में। चौथा, इस स्थान पर अंगुलिमाल का स्तूप है, जो हत्यारे डकैत अंगुलिमाल की याद में बनाया गया है। यह अपने गले में मानव उंगलियों का हार पहनने के लिए कुख्यात था। जब वह बुद्ध से मिला तो उनके निर्मल शब्दों ने उसे बदल दिया और वह उनका एक उत्साही शिष्य बन गया। तो ये आपका सार उसके श्रावस्ती के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो क्रम है, पहला बोधगया, दूसरा सारनाथ, तीसरा राजगीर और चौथा श्रावस्ती के बारे में, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित भक्ति संतों और दार्शनिकों पर विचार कीजिए, तीन के बारे में है। उपयुक्त में से कौन सा या से भक्ति संत या दार्शनिक मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे? तो इसमें जो तुलसीदास है ये जो है अकबर के समकालीन थे, जबकि कबीरदास और बल्भाचार्य उसके पहले के ये लोग थे। एक सेकेंड, तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जो हैं ये 1532 से 1623 तक थे, जबकि अकबर का जो शासनकाल चलता है या जो अकबर का जन्म ले देखें तो 1542 और ये मृत कब होती? 1605। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, जबकि कबीरदास ये 15वीं शताब्दी के हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास और अकबर जो हैं ये लोग 16वीं शताब्दी के हैं, जबकि कबीरदास और बल्लभाचार्य जो हैं वो 15वीं शताब्दी के हैं या सदी के हैं। अकबर के अन्य जो समकालीन थे वो तानसेन और अबुल फजल थे। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तीन चीज़ें दी गई हैं। इसने जुए पर सख्त नियंत्रण का समर्थन किया, सही है। इसने राज्य द्वारा शासन शराब उत्पादन का समर्थन किया, ये भी सही है। इसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया, नहीं, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की, अर्थशास्त्र में वेश्यावृत्ति को विनियमित किया गया है। तो यहाँ पर सही कौन सा? पहला और दूसरा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तीन कथन दिए गए हैं। पहला, मौर्य काल में लोहे के उपकरणों का प्रयोग केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित था, नहीं, केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं था। अस्त्र शस्त्र पर देखिए, मौर्य राज का एकाधिकार था, परंतु लोहे के अन्य औजारों का प्रयोग जो है किसी वर्ग तक सीमित नहीं था। दूसरा, मौर्य काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये कथन आपका सही है। तीसरा, मौर्य साम्राज्य में कुछ गाँव ऐसे थे जिन्हें कराधान से छूट दी गई थी और उन्हें आयुधिया कहा जाता था, तो ये कथन आपका सही नहीं है।
क्योंकि देखिए ऐसे इन्हें जो है परिक्रमा कहा जाता था, आयुधिया नहीं कहा जाता था, परिक्रमा कहा जाता था। जबकि ऐसे गांव जिन्होंने सैनिकों की आपूर्ति की थी उन्हें आयुधिया कहा जाता था। तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, सही कौन सा है? केवल दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसमें देखिए जितने भी दिए गए हैं, प्रदोत, उदयन, आपके राजा प्रदोत, उदयन, खारवेल, अमोघवर्ष, अजातशत्रु, ये सभी के सभी ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है एज स्पीसीज का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए इसमें पहला पढ़िए, ये ऐसी प्रजातियां जो दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के किनारों पर इस पर्यावासों में फलती फूलती हैं, तो इन्हें एज स्पीसीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। भारत में वर्ण को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के समान परिभाषित किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके समान परिभाषित नहीं किया गया है। दोनों जगह पे अलग अलग परिभाषाओं का उल्लेख है। दूसरा, भारत में दर्ज सभी वन क्षेत्र या तो आरक्षित या संरक्षित के रूप में वर्गीकृत है? नहीं, इसके अलावा भी अन्य वर्ग में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इन्हें जो है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों के रूप में विभाजित किया गया है। तो दूसरा वाला भी गलत होगा। तीसरा, भारत में अति सघन वन वे वन क्षेत्र हैं जिनका वितान घनत्व 70% से अधिक है, ये सही है। तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला सही है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मांसल भाग पौधे के निम्नलिखित में से कौन से भाग का रूपांतरण है? तो ये जो है पत्ती का रूपांतरण है। प्याज और लहसुन की मांसल पत्तियां जो होती है वो खाद्य का संग्रह करती हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में साइट्स के पक्षकारों की 19वीं बैठक COP19 में जयपुर हिल गेको को साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में जयपुर हिल गेको से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए पहला, यह एक दुर्लभ सरीसृप है जो भारत के लिए स्थानिक है, सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट के तहत एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा है। देखिए CNG कंप्रेस नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राप्त की जाती है, जबकि LNG लिक्विड नेचुरल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो गहन शीतलन के माध्यम से तरल अवस्था या द्रवीकरण में निम्नीकृत हो जाती है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, LNG साधारण प्राकृतिक गैस की तुलना में लगभग दोगुनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है, तो ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF निम्नलिखित में से किन अभिशमयों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करती है? तो ये जो है जैव विविधता अभिशमय CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमय UNCCD, चौथा स्थायी कार्मिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, और पांचवा पारे पर मिनमाता कन्वेंशन। इन पांचों के लिए जो है वित्तीय तंत्र का प्रावधान करती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इन पांच के लिए करती ही है केवल, ठीक है। जो आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इन पांच के लिए ही वित्तीय तंत्रों का या वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। तो इन पांचों के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में परियोजनाएं संप्रभु ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत हरित परियोजनाओं के रूप में पात्र होती हैं? हरित परियोजनाओं के रूप में पात्र होती हैं, तो इसमें देखिए स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन और हरित भवन आते हैं। इसमें लैंडफिल परियोजनाएं, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण, ये नहीं आती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 हैं, महाराष्ट्र में 6 हैं, गुजरात में 4 हैं, तमिलनाडु में 5 हैं, असम में 7 हैं। तो सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश, तो पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर आपका असम में 7 हैं, तो 5, फिर इसके बाद 7 हैं, इसके बाद जो है तमिलनाडु में
नहीं, महाराष्ट्र में 6 हैं तो 2 आ जाइए, 1 5 2, फिर आपका तमिलनाडु में जो है 5 हैं तो 4 हो जाएगा, और फिर गुजरात में 4 हैं तो ये 3 आ जाएगा। तो 1 5 2 4 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य ने। झील प्रभाव हिम, झील प्रभाव हिम, लेक इफेक्ट स्नो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, यह शीत ऋतु के दौरान ग्रेट लेक्स क्षेत्र में होने वाली सामान्य परिघटना सही है। यह झील की सतह एवं वायु में उष्मा और आर्द्रता की मात्रा के मध्य के अंतर से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो 2 के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, हाइड्रोजन ईंधन सेल उप उत्पादों बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल और उष्मा उत्पन्न करता है, सही है। ईंधन सेल को रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि ईंधन और ऑक्सीजन के नियत स्रोत मौजूद रहते हैं, तो ये भी सही है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के संभावित लाभ हैं? तो देखिए, इनका उपयोग धातुओं एवं मिश्र धातुओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है, नहीं किया सकता है, तो ये उसकी हानियों में नहीं किया सकता है। जल इस तकनीक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सही है। इसे दूरस्थ विश्लेषण के लिए ऑप्टिकल फाइबर द्वारा लंबी दूरी पर प्रेषित किया जाना शामिल है, भी सही है। तो दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा, इस तकनीक में डिटेक्शन परीक्षण जांच के लिए संवेदनशील और अत्यधिक अनुकूलित उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, होती है। तो ये जो है इसके ड्रॉबैक हैं। तो पहला और चौथा सही नहीं है, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट के संदर्भ में किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाने वाला पदार्थ ट्रुथ सीरम को रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम पेंटोथल के रूप में, ठीक है, सोडियम पेंटोथल के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दवाएं होती जिसका इस्तेमाल जो है ट्रुथ सीरम के रूप में होता है, जैसे कि इसको पोलामाइन और सोडियम अमाइटल। इसके अतिरिक्त देखिए, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, और एरिथ्रोपोएटिन, ये जो है आपका, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग खेलों में डोपिंग के लिए किया जाता है। और आपका बेंजोडाइजेपाइन जो है, ये एक शामक औषधियाँ सीडेटिव ड्रग्स के रूप में सबसे व्यापक रूप में प्रयोग किया जाने वाला समूह है ये। 54 नंबर देखते हैं, रक्त की ऑक्सीजन संतृप्ति, इसको इंग्लिश में बोलें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा क्लिप सदृश उपकरण है जो रक्त की ऑक्सीजन संतृप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रकाश पुंज का उपयोग करता है, यह कथन सही है। कोविड के टाइम में आपने पल्स ऑक्सीमीटर को देखा होगा। WHO के अनुसार 95% से कम संतृप्ति जो है या सेचुरेशन स्तर एक क्लिनिकल इमरजेंसी नहीं, 95% से नहीं, 90% से कम जब होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही। पहला, कॉपीराइट सुरक्षा स्वचालित रूप से धारक को पुनरुत्पादन या अनुकूलन को नियंत्रित करने का विशेष अधिकार देती है, सही है। डिजाइन किसी वस्तु के बाह्य स्वरूप या सौंदर्य शैली की रक्षा करता है, सही है। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय के उत्पादों या सेवाओं को दूसरों से अलग करने के लिए किया जाता है, सही है। पेटेंट धारक को एक निश्चित अवधि के लिए पेटेंट किए गए आविष्कार को बेचने, बनाने और उपयोग करने से रोकने का विशेष अधिकार देता है। ये सभी के सभी चारों कथन सही है, तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, भारत में पिछले एक दशक में वाइल्ड पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, सही है। दूसरा, मनुष्य पोलियो वायरस का एकमात्र ज्ञात प्राकृतिक होस्ट है, ये भी सही है। इसका कोई उपचार नहीं, केवल टीकाकरण ही किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 सबके सब सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि हाल ही में वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में पोलियो के उन्मूलन हित वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल ग्लोबल
पोलियो इरिडिकेशन इनिशिएटिव 2022-2026 की रणनीति के लिए 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की पुष्टि की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 57। बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीक का उपयोग करके अनुवांशिक कोड में केवल एक बेस की आणविक संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह एक दाता के लिए अनेक प्राप्तकर्ताओं को टी कोशिकाओं की आपूर्ति करने में संभव बनाता है, करने को संभव बनाता है। ये दो के दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित एक रोगी में कैंसर थेरेपी के एक नए रूप बेस एडिटिंग का परीक्षण किया है। और इसमें जो आपका एक पहली वाली विधि थी CAR-T थेरेपी, इस मामले में अप्रभावी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत शामिल है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में, मरुस्थल में, मरीचिका में, हीरे की चमक में, इन तीनों में होता है। इन दोनों में नहीं, आकाश के नीला रंग, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग, ये इससे संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। पहला, RNA उत्परिवर्तन दर DNA उत्परिवर्तन दर से अधिक है, सही है। यूकेरियोट्स में DNA प्रतिकृति केंद्रक में होती है, जबकि RNA प्रतिकृति जो है साइटोप्लाज्मा में होती है, ये सही है। तीसरा, DNA वायरस अस्थिर होते हैं जबकि RNA वायरस स्थिर होते हैं, ये उल्टा लिखा। DNA वायरस स्थिर होते हैं जबकि RNA वायरस अस्थिर होते हैं। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए आदर्श रूप से अवतल दर्पणों अर्थात कॉनकेव मिरर का उपयोग नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए, ये ऑप्टिकल उपकरण जैसे नेत्रदर्शी के लिए किया जाता है, सौर भट्टी में उष्मा का उत्पादन के लिए किया जाता है, कारों के हेडलाइट में किया जाता है, परंतु कारों के साइड मिरर के लिए नहीं किया जाता है। कारों के साइड मिरर के लिए जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब आप डॉक्टर कहे जाते हैं, मतलब आँख कान नाक और गले की जाँच करने वाले डॉक्टर के पास, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जबकि जो कारों की जो साइड मिरर होती है, साइड मिरर या बाइक की जो साइड मिरर होती है, वो आपकी उत्तल दर्पण होती है। जबकि जो जो टार्च है, कार रहता है, स्कूटर के जो हेडलाइट होती है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। आगे चलते हैं ध्रुपद गायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। यह रागों और स्वरों की शुद्धता बनाए रखने पर बल देता है, सही है। इसकी रचनाएँ हिंदू देवताओं को संबोधित करती हैं, सही है। महान ध्रुपद संगीतकार तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे, सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारत की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा के संदर्भ में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का चित्रण करने वाली शानदार मूर्तिकला पट्टिका या पैनल पाई जाती है कहाँ पे? एलोरा की गुफाओं में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, एलोरा की गुफाओं में, बी ऑप्शन। तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसे राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। और ये जो है बौद्ध हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों और मठों से संबंधित है, जिसका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों द्वारा जंगली सुअर वराह अवतार को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जंगली सुअर को अपने शाही प्रतीक के रूप में चिन्हित किया? तो विजयनगर वंश ने किया और पश्चिमी चालुक्य वंश ने किया, जबकि पश्चिमी गंग वंश हाथी इनका प्रतीक था और राष्ट्रकूट वंश का गरुड़ था। तो यहाँ पे पहला और चौथा अर्थात ए ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, हुआ क्या, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी की एक विशाल वराह मूर्ति जंगली सुअर की खोज की गई है, और भारतीय पौराणिक कथाओं में जंगली सुअर को वीरता और राजशाही के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पुस्तक और लेखक तीन युग में दिए गए हैं, बताने में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, संगीत रत्नाकार सारंगदेव की, चतुर्दंडी प्रकाश का वेंकट माखी का, अभिनव दर्पण नंदीकेश्वर का, तीन के तीनों सही हैं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। पहला, सर्वप्रथम सातवाहनों ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि का प्रयोग किया था। तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम नहीं किया था, कुषाणों ने सर्वप्रथम किया था। जो कुषाण थे उन्होंने ये काम किया था। दूसरा, मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद हिंदू देवी लक्ष्मी की छवि वाले सिक्के जारी किए थे। तो ये कथन आपका सही है। तीसरा, विजयनगर के राजाओं ने धार्मिक चित्रों से रहित सिक्के जारी किए नहीं, इनके सिक्कों पर जो है हिंदू मूर्तियों को उत्कीर्ण कराया गया। जो इनका शासक हरिहर द्वितीय था उसने ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी और शिव पार्वती के चित्रों को अपने सिक्कों पर अंकित कराया। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन। जैन तीर्थस्थल समेद शिखर जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके तीन कथन दिए गए हैं। तो पहला, यह राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है, नहीं, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित गिरिडीह की पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है ये। तो पहला गलत होगा। दूसरा, यह वह स्थान है जहाँ पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, ये भी कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है 24 जो तीर्थंकर, इनमें से 20 जैन तीर्थंकरों ने और कई सारे अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान लगाने के बाद मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति की, ठीक है, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। परंतु जो ऋषभनाथ जो पहले जैन तीर्थंकर थे, इन्होंने हिमालय में कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था, न कि यहाँ पर। तो पहला गलत है, दूसरा गलत। तीसरा, यह श्वेतांबर पंचतीर्थ या जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये कथन आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नील की खेती की निज व्यवस्था के तहत किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित की जाने वाली भूमि पर नील की खेती की जाती थी? तो बगान मालिकों के। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना स्वच्छता के प्रबंधन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 1923 में जो है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में हिंदुस्तानी सेवा दल के गठन का प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में इसे सेवा दल के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्र चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चित्रकला उड़ीसा के पुरी की मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है, सही है। यह मुख्य रूप से पवित्र धार्मिक विषयों से संबंधित चित्रकला है, सही है। चित्र के चारों ओर अनिवार्यतः पुष्पयुक्त बॉर्डर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो जो पट चित्रकला है यह आपके उड़ीसा के जगन्नाथ के पंत और पुरी में मंदिर परंपराओं से संबंधित है। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूनतम 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोग इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे, नहीं, 25 वर्ष नहीं, 15 वर्ष या उससे अधिक, तो पहला गलत है। शिक्षण के इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही स्वयंसेवक के रूप में भाग ले सकते हैं, नहीं, इसमें जो है पंजीकृत स्कूलों के छात्र और सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकते हैं, सरकारी स्कूलों के नहीं, ठीक है, अन्य स्कूलों भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो भारत में अधिनियमित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ पे तीन कथन है। यह हिंदू विधि के मिताक्षरा स्कूल पर आधारित है, सही है। या उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्मतः मुस्लिम और ईसाई नहीं है, ठीक है, केवल मुस्लिम और ईसाई नहीं, जो पारसी हैं, यहूदी हैं, उन पर भी लागू नहीं होता है। तो ये दो वाला कथन गलत है। तीसरा, यह पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के मामलों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पुरुष समकक्षों की तुलना में समानता की अनुमति नहीं देता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हुआ क्या था कि अभी हाल ही में न्यायमूर्ति M.R. शाह के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय की किसी महिला को उत्तरजीविता के अधिकार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं था। साथ ही केंद्र को यह निर्देश दिया है कि वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करे और यदि आवश्यक हो तो इसे अनुसूचित जनजातियों तक विस्तारित करने के लिए कानून में संशोधन करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72।
भारत में चार महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय व्यक्तित्व या व्यक्ति को सभी चार महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपके सत्यजीत रे हैं और भूपेन हजारिका, दो और चार। देखिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो 1954 पहली बार 1954 में की गई थी, परंतु कुछ वर्ष जैसे कि 1978, 1979, 1993, 1997 में ये पुरस्कार वितरण नहीं किए गए थे। यहाँ पे देखिए, चार शख्स ऐसे हैं जिन्हें ये चारों पुरस्कार मिले हैं, सत्यजीत रे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, भूपेन हजारिका और पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। पुंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केंद्र संबंधों में समस्याओं पर विचार करने वाला यह पहला आयोग था? नहीं, इसके पहले सरकारी आयोग भी गठित हो चुका था, ठीक है, ये 2007 में इसको गठित किया गया था, पुंछी आयोग को, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसने सिफारिश की थी कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 355 और 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनमें संशोधन किया जाए, तो कौन सा सही नहीं है? पहला वाला आपका सही नहीं है, तो ए ऑप्शन। अगला है, संविधान में प्रथम संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए? तो इसमें देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे वर्गों की उन्नति और राज्य की भूमिका को अनुच्छेद 15 के तहत सम्मिलित किया गया, मतलब कि जो आपका मूल अधिकारों अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, उसमें संशोधन किया गया, ये सही है। नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है, नौवीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। और तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए नागरिकता को एक मानदंड बनाया गया था, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात यहाँ पे सबके सब सही हैं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के मतदाता केवल डाक मतपत्रों का उपयोग कर अपना मत डाल सकते हैं? देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्य, निवारक निरुद्ध मतदाता, भारत से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पति या पत्नी, ये लोग जो हैं केवल डाक मतपत्रों के माध्यम से ही अपना मत दे सकते हैं, जबकि जो मतदान ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी है, ये चाहे तो यदि इसे अनुमति मिलती है तो डाक मत पत्र के द्वारा या अन्य विधि से भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ही होगा, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 निम्नलिखित में से किस समूह तक विस्तारित है? तो ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूह तक, दोनों तक विस्तारित है, ठीक है। चूँकि इसमें जो संविधान में अनुच्छेद 30 है, इसमें कहा गया शिक्षा संस्थाओं और स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को निर्दिष्ट किया गया। इसमें कहा गया कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई, को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आगे चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। भारत में राज्यों की राजधानियों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार अकेले ही राज्य की राजधानी परिवर्तित करने हेतु अधिकृत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आता है, तो ये केवल राज्य जो है अपने से इसको अधिकृत नहीं कर सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में राज्य की एक से अधिक आधिकारिक राजधानी नहीं है, बिल्कुल है, हिमाचल की है, महाराष्ट्र की, हिमाचल की दो राजधानी मुंबई और नागपुर हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, भारत में किसी राज्य में विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग राजधानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आंध्रा में करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है, तो यहाँ पर केवल 3 अर्थात सी ऑप्शन। निम्नलिखित भारतीय सैन्य अड्डों पर विचार कीजिए और बताना है कि इन चार युग्मों से कौन से सही सुमिलित हैं। तो देखिए, डुकम आपका ओमान, फारखोर तजाकिस्तान, तो पहला दूसरा सही है, जबकि असम पशन द्वीप जो है ये सेशल्स का है और अगालेगा द्वीप जो है मॉरिशस का है, तो केवल दो युग में ही सही सुमिलित हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग करके सूक्ष्म शैवाल से बायो हाइड्रोजन उत्पन्न की जा सकती है? तो फोटो किण्वन के द्वारा, डार्क किण्वन के द्वारा, जैव प्रकाश अपघटन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा की जा सकती है, तो 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, कार्बन स्टॉक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, कार्बन स्टॉक का तात्पर्य बायोमास, मृदा, शुष्क लकड़ियाँ और घास फूस के रूप में वनों में संग्रहित कार्बन की मात्रा से, सही है। दूसरा, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वन स्थित रिपोर्ट के माध्यम से कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा,
भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक कार्य विशाखा, नहीं अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पशुओं की देशी नस्लों की नई किस्मों को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये ICAR, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR ये करती है। देखिए, ये जो आपका ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, ये इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, 1984 में, और ये है कहाँ पे? ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दिए गए। पहला, यह खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में अपनाया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, सही है, भारत इस संधि का पक्षकार है, ये भी सही है। यह नॉर्वे में स्वालबार्ड ग्लोबल सील्ड वॉल्ट की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी, नहीं, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की स्थापना जो है जून 2012 में की गई थी। इसकी स्थापना सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस सम्मेलन के दौरान विश्व के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को मजबूत और उन्नत बनाने का आह्वान किया था। इस सम्मेलन को रियो प्लस 20 के नाम से जानते हैं, जो कि 2012 में हुआ था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने हेतु इस सभा की द्विवार्षिक बैठक आयोजित की जाती है, सही है। तीसरा, यह 193 सदस्य देशों की सार्वभौमिक सदस्यता के साथ पर्यावरणीय विषयों पर निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है, तो ये सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज मापन का एक नया वैश्विक मानक है। इसे यह प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है कि एक प्रजाति जिस पारिस्थितिक तंत्र में रहती है उसके भीतर कैसे काम कर रही है। साथ ही इससे पता लगता है कि संरक्षण कार्रवाई के माध्यम से इसमें कितना सुधार हुआ। यह पहल किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्रारंभ की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा स्थायी जैविक प्रदूषकों के संदर्भ में डेक्लो रेन प्लस मीडियम चेन क्लोराइड पैराफीन, ये क्या है? ये ज्वालामंदक है, ठीक है, ये ज्वालामंदक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 5 में से 4 रसायनों पर अपनी समीक्षा के तहत इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, ज्वालामंदक क्या होते हैं? ज्वालामंदक ऐसे रसायन होते हैं जो आग लगने से बचाने या उसके प्रसार को कम करने के लिए सामग्रियों का उपयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। इस संदर्भ में इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के भाग के रूप में वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्यों को अपनाया गया है? तो देखिए, वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित हुए 30% पारिस्थितिक तंत्र का पुनरुद्धार करना सही है। पर्यावरण में समाप्त हुए अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्रा को कम से कम 50% तक कम करना सही है। कीटनाशकों से होने वाले जोखिम को कम से कम 50% तक कम करना, ये भी सही है। और आपका चौथा, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और स्थायित्व की दर को कम से कम 50% तक करना, ये भी सही है। पांचवा, वन्य प्रजातियों के सुरक्षित विधिक और संधारणीय उपयोग तथा व्यापार को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भू आकृति विज्ञान इसे इंडियन फिशियोग्राफी कह सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो पहला दिया गया, सतपुड़ा श्रेणी मध्य उच्च भूमि की पश्चिमी सीमा बनाती, नहीं, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, तो पहला गलत है। दूसरा, भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग की ढलान सिंध की ओर तथा दक्षिण भाग की ढलान कच्छ के रण की ओर है, ये सही है, बी सही है। सी, भीमाभ्रंश प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित, नहीं उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो ये सी वाला गलत है। अरुणाचल हिमालय में पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, तो ये सही नहीं है। एक सेकंड, ये आपका इसका जो आप देखेंगे तो ये इसकी समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम से, ये जो दक्षिण पूर्व लिखा है, ये दक्षिण पश्चिम से क्या है, उत्तर पूर्व है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इन चारों में देखिए, पहला, यह एंडेंजर्ड लायन टेल मकॉक का पर्यावसन नहीं, पूर्वोत्तर भारत में नहीं रहते, ये पश्चिमी घाट में रहते हैं, तो पहला गलत। यह सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक भाग है, तो ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल भारतीय भाग में निकोबार द्वीप समूह आता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, भारत की कुल रामसर आर्द्र भूमियों में से चार यहाँ स्थित हैं, ये आपका सही है। कौन कौन सी चार यहाँ स्थित हैं? देखिए, असम का दीपोरबिल, मणिपुर का लोकटक, त्रिपुरा का रुद्रसागर और मिजोरम की पाला आर्द्र भूमि। डी देखें, सिपकिला, नाथुला और बुमला दर्रे पूर्वोत्तर हिमालय में स्थित नहीं, इसमें जो सिपकिला है ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है, तो डी वाला भी सही नहीं है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, झील और उनके प्रकार या किसके कारण निर्मित हुई हैं, तो इन चार युगों में से बताना कितने सही युग में है, कितने युग में सही हैं। तो देखिए, लोनार झील उल्कापिंड संघात से, बुलर झील विवर्तनिक झील से बनी है, विवर्तनिक झील है। पंचमुली झील ये कृत्रिम झील है, ये आपके गुजरात में है। पंचमुली झील जो है सरदार सरोवर बांध के डायरेक्टरी के रूप में इसको जाना जाता है, तो जो गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वहीं पे इस झील को बनाया गया है। कोडाईकनाल झील ये ग्लेशियल झील नहीं बल्कि कृत्रिम झील है ये, ठीक है, ये एक कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है और बुलर कश्मीर में है। तो यहाँ पे तीन युग जो है सही सुमिलित हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इनमें से देखिए, जो आपके छः देश हैं इसमें से जापान, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया, तो एक चार छः बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शुल्क का उद्देश्य विदेशी उत्पादकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर पैदा करना सही है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में एंटी डंपिंग उपायों के प्रयोग की अनुमति दी गई, भी सही है। भारत में एंटी डंपिंग संबंधित जांच व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा की जाती है, ये सही है। तीन के तीनों यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा डंपिंग होती क्या, तो देखिए, डंपिंग ऐसी स्थिति है जिसमें एक देश किसी वस्तु को उसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर दूसरे देश को निर्यात करता है। यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ता है या हो सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI, सामाजिक प्रगति सूचकांक इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, पहला है, और बताना इनमें से कौन सही नहीं है। जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है यह बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में देश की सामाजिक प्रगति का आकलन करने के लिए एक विशेष साधन है, सही है। SPI को नीति आयोग द्वारा तैयार और जारी किया जाता है, नहीं, इसको इसके द्वारा नहीं जारी किया गया। इसको जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के द्वारा तैयार किया गया है, और इस सूचकांक को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और इस आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो है इस सूचकांक को जारी किया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, MSME क्षेत्रक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं। पहला, यह वर्तमान में जारी एक योजना है जिसमें नवीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1996 से लेकर के, मतलब 1996 से क्रियान्वित की गई थी इसको, नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं, पहला सही है आपका, पहला जो है वो सही है, हमें पहला सही है। दूसरा, यह केवल निजी स्टार्टअप्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये आपका सही नहीं है।
तीसरा, राज्य या केंद्र सरकार की कोई भी संस्था इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती, बिल्कुल उठा सकती है। इसके लाभ उठाने वालों में कौन कौन शामिल है, इसमें आपका राज्य केंद्र सरकार के संगठन, उद्योग या उद्यम संघ, एमएसएमई से जुड़े पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट और संगठन, ये लाभ लेने के लिए मतलब योग्य हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित लाभ हैं। तो तीन लाभ है, पहला अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश में वृद्धि होती है, ये सही है। दूसरा, घरेलू कंपनियों के उधार देने लेने की लागत में गिरावट है, गिरावट आती है, ये भी सही है। परंतु घरेलू मुद्रा की विनिमय दर अस्थिरता में गिरावट, ये इसके हानियों में आता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पूंजी खाता जो होता है कैपिटल अकाउंट में भारत और अन्य देशों के बीच परिसंपत्तियों से संबंधित समस्त लेन देनों को दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार की निवेश परिसंपत्तियां जैसे कि शेयर है, ऋण और संपत्ति है, यहां तक कि कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां भी शामिल हैं। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी देश जो जनसंख्या में बढ़ोतरी का अनुभव कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से उस देश के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि का या के अनिवार्य निहितार्थ हैं। तो तीन है, देखिए इसमें नॉमिनल जीडीपी की धनात्मक वृद्धि दर नहीं, ये आपका नहीं है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी, इसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, इसे चालू वर्ष की कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को चालू वर्ष की ही कीमतों से गुणा करके प्राप्त किया जाता है और यह आर्थिक समृद्धि को मापने का एक खराब संकेतक होता, तो इसको नहीं लेंगे। दूसरा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, ये इसके अनिवार्य निहितार्थ में आएंगे। तो दो और तीन सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम FDPR अर्थात फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें आप बी वाला पढ़िए, यह अमेरिकी प्रौद्योगिकियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रावधान है। ये देखिए, हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने चीन के उन्नत कंप्यूटरिंग और सुपर कंप्यूटर उद्योग को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स प्राप्त करने से रोकने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष उत्पाद नियम FDPR लागू किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के तहत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला, यह अधिनियम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जो क्षतिग्रस्त होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, सही है। दूसरा, संसद के पास किसी भी डेटाबेस या IT नेटवर्क या संचार अवसंरचना को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति है, नहीं संसद के पास नहीं, ये शक्ति जो है कैबिनेट के पास होती है, कैबिनेट ही इसके बारे में प्रावधान कर सकता है। तो आपका पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आयात प्रतिक्रिया दल राष्ट्र की CII की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, नोडल एजेंसी के रूप में NCIIPC इसका निर्माण जनवरी 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र इसका हिंदी पूरा नाम है। ये देश की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने वाली नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक ऋण साधन है जिसका उपयोग समुद्री और समुद्र आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु किया जाता है, सही है। दूसरा, विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड हाल ही में भारत द्वारा जारी किया गया था, नहीं ये कथन आपका सही नहीं है। क्योंकि 2018 में सेशल्स गणराज्य एक संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश था। तो यहाँ पर देखिए, पहला
आपका सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेट्रोल डीजल के मूल्य निर्धारण एवं कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो तीन कथन दिए गए। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां साप्ताहिक आधार पर भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करती नहीं, साप्ताहिक आधार पर नहीं, दैनिक आधार पर, डेली बेसिस पर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर कर लगाती है जबकि राज्य सरकारें उनकी बिक्री पर कर लगाती हैं, ये सही है। तीसरा, केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाई गई बेसिक एक्साइज ड्यूटी को राज्यों के साथ साझा किया जाता है, तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अटल ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए। इसका उद्देश्य ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में सौर एलईडी लाइट लगाना है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह योजना वर्तमान में देश के 5 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही, नहीं, कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान में, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।